खुले नाले के ऊपर संचालित हो रही सब्जी मंडी नाले में गिरकर घायल हुआ सब्जी विक्रेता। नगर परिषद इंदरगढ़ नगर विकास के लाख दावे करे, लेकिन नगर में व्याप्त समस्याओं को देखने पर नगर विकास के सभी दावे खोखले दिखाई दे रहे। नगर परिषद की अनदेखी के चलते इन दिनों सब्जी मंडी की हालत बहुत खराब है। सब्जी मंडी में चारों ओर गंदगी व्याप्त है। गंदे नाले के ऊपर संचालित सब्जी मंडी में हर तरफ गंदा पानी भरा हुआ है। ऊपर से नाला खुला हुआ है, जिसमें कई बार दुकानदार और सब्जी विक्रेता गिरकर घायल हो चुके हैं। जिम्मेदार इस समस्या पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वे इस विषय में कुछ नहीं बोलेंगे। विकास कार्यों को देखने का कार्य अध्यक्ष का है। नगर 40,000 लोगों को साग सब्जी की व्यवस्था के लिए एकमात्र सब्जी मंडी खुले नाले के ऊपर संचालित हो रही है, और जब नाला ओवरफ्लो होता है तो नाले का गंदा पानी सब्जी मंडी में भर जाता है, जहां से सब्जी विक्रेताओं का निकलना दूभर हो जाता है। सब्जी दुकानदार नगर परिषद को बुरा भला कहते हुए अपनी मजबूरी की दुहाई देते नजर आते हैं। सब्जी मंडी में करीब 70 से 80 दुकानदार गंदगी और गंदे पानी के बीच बैठकर सब्जी बेचते हैं। ऊपर से नाला का खुला होने से हमेशा किसी न किसी दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। सोमवार सुबह राजाराम नाम का एक सब्जी विक्रेता खुले नाले में गिर कर घायल हो गया है। सब्जी विक्रेता के खुले नाले में गिरने से पैर में चोट आई है। काफ़ी मात्रा में खून बहने हुए देखा जा सकता है। फिलहाल घायल सब्जी विक्रेता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि कब तक हम सब्जी विक्रेता इस नर्क जैसी गंदगी जगह में बैठकर सब्जी बेचते रहेंगे। अब बहुत हो चुका। अगर नगर परिषद शीघ्र सुनवाई नहीं करती तो सभी सब्जी विक्रेता आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बकरीदन। क्या समस्या है? ये नाम समस्या ये पानी भरा रहता है तो कचरा तो भर ले जाओ, कचरा नहीं भरते हैं। 8-8 दिन आनो कचरा नहीं भरा। ये आपकी दुकानदारी पे भी असर पड़ रहा है, ग्राहक नहीं आ गए। ग्राहक ही नहीं आ पा रहा है, दुकानदारी कहाँ से करे, क्या करे, मर जाए क्या खाए, बताओ।